के अपने इस गांव मोना में दर्शाया है, ये अपने आप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को और बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, जब इस नव संकल्प रैली को करने के लिए विषय रखा गया और स्थान की चिन्हित करने का निर्णय किया गया तो बहुत से साथी कहते थे पलवल मंडी में करवा लो, बहुत से साथी कह रहे थे फरीदाबाद बल्लभगढ़ में करवा लो, मगर कई साथियों ने आकर कहा कि जी बीच में करवाओ, चाहे वो पलवल का साथी हो फरीदाबाद का साथी हो, मिलजुल कर इस पावन धरा मोना की मंडी के अंदर आकर पार्टी के इस संकल्प को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, मैं एक चीज बता सकता हूं, मोना ने पिछले एक महीने में एक बहुत बड़ी त्रासदी कह लूं, क्योंकि पहली बार हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में फरीदाबाद में भी और पलवल में भी यमुना का जो प्रवास था वो इतना विशाल था कि जब मैं यहाँ ट्रैक्टर पे नाव पे पूरे इलाके का मुआयना कर कर गया तो अपने यहाँ मोना के बॉर्डर से लेके यूपी 5 किलोमीटर तक पानी का भाव चल रहा था। मगर एक एक साथी जो यहाँ बैठा है सरदारी का, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि जिस प्रकार से सामाजिक लोगों ने सरकार का साथ दिया, आज उसका नतीजा है कि जान माल का हमारे इस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। और जहां फसल का कोई नुकसान हुआ, हमने 18 तारीख को रिपोर्ट सभी जिलों से सभी किसानों से मंगा ली है और आज आपके बीच में वादा करता हूं कि 15 सितंबर से पहले पहले फसल खराबे का पूरा पैसा आपके खाते में हम भेजने का काम करेंगे। और कई इलाकों में आज यमुना रेत खेतों में भर चुकी है। आज तक के इतिहास में यमुना की रेत अगर खेतों में आ जाती थी तो किसान के लिए एक सिरदर्दी बन जाती थी, क्योंकि एक और पर तो सरकार कहती थी माइनिंग अलाउड नहीं है और किसान खेती के लिए उस रेते को अलग नहीं कर सकता था। तो आज खुशी के साथ साझा करता हूं कि उसकी पॉलिसी फाइनल होगी और विधानसभा के सेशन से पहले पहले मंजूरी देकर एक तिहाई जितना रेता निकलेगा उसकी कीमत किसान के खाते में भेजने का काम करेंगे और 2/3 पंचायत और सरकार के खाते में ले जाने का काम, जिससे किसान की फसल जो इस सीजन में खराब हुई है वो आगे गेहूं की बिजाई से पहले पहले अपने खेत को समतल भी कर लेगा और रेत की वजह से उसके खेत की उपज में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। साथियों, मैं एक चीज जरूर आपके बीच में आज खुशी से कह सकता हूं, यह आपकी हिस्सेदारी थी राज्य के अंदर तो मुमकिन हो पाया, नहीं तो मुझे वो दिन भी याद है कांग्रेसी कहते हैं मुआवजा क्या दिया, कांग्रेस के राज में 2-2 साल बाद मुआवजा आया करता था और मुआवजा आया करता था 2 रुपए 5 रुपए। आज तो कानूनी स्वरूप दे रखा है कि 1 एकड़ का अगर 100% फसल खराब है तो 15,000 से 1 रुपया कम भी किसान को मुआवजा आपकी सरकार नहीं देती। और 2 साल के इंतजार की बजाय 30 दिन के अंदर अंदर आपकी सरकार आपके खाते में, किसी के चेक बनवाने का इंतजार नहीं करना कि कोई हड़ताल पे है कोई अधिकारी छुट्टी पर है, अपना खाता नंबर सरकार को देने का काम करो और सरकार आपके खाते में पूरा पैसा भिजवाने का काम करो। वहीं आज इस मंडी में हम खड़े हैं, इस मंडी की क्या हालत होती थी जीरी के सीजन में गेहूं के सीजन में, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं सांसद था दौरा किया करते थे तो ट्राली 1-1 किलोमीटर तक खड़ी होती थी और 1 किलोमीटर की लाइन पे किसान ट्राली पे सो रहा होता था कि कोई अनाज चोरी ना कर जाए, 2 दिन बाद नंबर आया करता था। आज क्या स्थिति है कि जैसे फसल काटता है वो सरकार को बताता है मैं फसल बेचने आ रहा हूं, उसका परमिट कटता है 2 घंटे से पहले उसकी फसल बिक जाती है, अगला रोटी भी घर जाके खाता है,
और तो और दो दिन के अंदर अंदर महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, सरकार उसके खाते में पूरी राशि बैंक के माध्यम से भिजवाने का काम करती है। साथियों बुजुर्ग बता देंगे, इनसे पूछो हमारे सरदारी से, कि पहले फसल बेच जाते थे, महीने बाद आड़ती के पास आते थे, चंडीगढ़ से बिल नहीं क्लियर होता था, आड़ती को 5-10% उचंती पैसा दे देता था, इंतजार करना पड़ता था पूरा पैसा आने का, कई बार 2-3 महीने लग जाते थे। अब तो हमारे आड़ती भाई भी खुश है, उनसे पूछ के आओ कि उनके लेबर का पैसा, उनकी जो दामी थी, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो भी जैसे आपको 2 दिन में पैसा दिया, 30 दिन से पहले पैसे देकर सभी आड़ती भाइयों के खाते में भी पैसे आपकी सरकार ने भिजवाने का काम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने 13 फसलें MSP पर खरीदने का काम किया। 18 ऐसी फल सब्जियां फसलें हैं जो सरकार नहीं खरीदती, उसके एवज में 52 भरपाई योजना में अगर न्यूनतम मूल्य से नीचे वो फसल की खरीद होती है तो सरकार खाते में पैसा डालकर उस किसान की आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत करने का काम करती है। साथियों मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, आपके गांव की सरपंच मैडम आई, संजू देवी जी, और आकर गांव की मांग दी। आप मुझे बताओ कितनी बार पहले ऐसे गांव की असली सरपंच को स्टेज पे ज्ञापन सौंपते देखा, कोई जीत जाती थी तो भी उसका पति आके दे जाता था, देता था नहीं देता था, मगर ये श्रीमती नैना चौटाला जी का वादा था हरी चुनरी चौपाल के अंदर कि हम 50% हिस्सेदारी महिलाओं को देने का काम करेंगे। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि आज पंचायत की हर दूसरी कुर्सी, चाहे वो सरपंच की हो, पंच की हो, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर या चेयरमैन जिला परिषद ब्लॉक समिति क्यों ना हो, वो आज हमारी माताएं बहनें सुशोभित करने का काम कर रही है। आज महिलाओं की आवाज बन रही है और महिलाओं की आवाज को वो हिस्सेदारी मिली तो आप देखना गांव विकास के अंदर भी आने वाले भविष्य में काम की गति भी किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ने का काम कर। वही मेरी माताएं बहने थी, बारी बारी एक मांग आती थी इनके रोजगार के अवसर बनाओ। रोजगार के अवसर कैसे बनाए, हमने 2 मुहिम ली। पहली मुहिम कि जो हमारा पंचायती राज विभाग का एक डिपार्टमेंट है रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें महिलाओं को रोजगार के अवसर कैसे दिए जाए इसको आगे बढ़ाया जाए। जब मैंने 3 साल पहले उठाकर देखा कोरोना से पहले, तो हमारे पास केवल मात्र 20,000 सखी समूह थे जिसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाता था, पैसा दे दिया जाता था। हमने स्वरोजगार के अवसर बनाए, वो 20,000 सखी समूह को 3 साल में 56,000 बनाने का काम किया। और 56,000 में 20,000 और 40,000 का लोन बैंक से नहीं दिलाया, आज हरियाणा प्रदेश में लाखों रुपए तक के लोन महिलाओं को अपने गांव के व्यवसाय चलाने के अंदर हमारी सरकार दिलाने का काम करी। वही राशन डिपो थे, उनको गांव में किसी की सिफारिश से दे दिया जाता था और देने के बाद वही आदमी एक चलाता रहता था। मगर आपने ये वादा किया, श्रीमती नैना चौटाला जी ने आपसे चुनरी चौपाल में, कि हम महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और साथियों आज खुशी होती है ये कहते हुए कि अभी हमने 3800 डिपो नए निकालने का काम किया और 3800 में से 2300 से ऊपर राशन डिपो अगर मिलेंगे तो हमारी इन माताओं बहनों को हमारी सरकार देने का काम करे। ये मुमकिन कैसे हो पाया, क्योंकि साथियों राज में आपकी हिस्सेदारी। मैं तो एक चीज बारी बारी बोलता हूं, ये 3.5 साल के अवसर में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुतों ने कहा कि दुष्यंत को रिजाइन कर देना चाहिए किसान आंदोलन में। मैं आपके पड़ोस में
होली उत्सव में आया था नरियाल गांव में, क्या कहते थे, इस्तीफा दे दो। धरना प्रदर्शन हुआ, कौन करने आया? ये भूपेंद्र हुड्डा का रिश्तेदार करण दलाल। और आकर 200 लोग चौक पे खड़े हो गए, इस्तीफा दो किसान विरोधी। मुझे एक चीज तो बताओ, अगर किसान विरोधी होते तो क्या किसान के खाते में कभी पैसा आता? क्या किसान की फसल खराबे का पैसा किसान के खाते में हम एक महीने के अंदर दे पाते? साथियों, असली किसान विरोधी तो कांग्रेस ही थे। क्या किया दोनों रिश्तेदारों ने? मिलके हरियाणा प्रदेश की 73,000 एकड़ जमीन किसानों से लेकर प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया, बेच दी आपकी जमीनें। आप बताओ, हमारी सरकार ने कोई एक इंच जमीन आपकी खरीदने का काम किया? बल्कि दो फ्लाईओवर बन रहे हैं यहां से लेके यूपी तक के, दो फ्लाईओवर और तीसरा और आने वाला है। इनकी सरकार ने तो एक कनेक्टिविटी नहीं बनाई यूपी की ओर, हम तो तीन तीन बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 4 सालों के अंदर। और साथियों, जेवर एयरपोर्ट यूपी में बन रहा होगा, मगर जेवर का असली फायदा कोई उठाएगा तो 6 सा मोहना के लोग उठाने का काम करेंगे। साथियों, आपसे तो 7-8 किलोमीटर आगे है। आज सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ किसी इलाके में होगी तो अपने इस इलाके में होगी। और आज मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं, ये उस दिन बाढ़ का जब मैं निरीक्षण करने आया तो आपके पड़ोस में पावर डिपार्टमेंट की जमीन पड़ी थी। कौन सा गांव है? मोटुका के अंदर जमीन पड़ी थी, वो देखी। जब पूछा तो कहते जी पावर प्लांट लगना था। पावर प्लांट तो अब लग नहीं सकते, एनसीआर एनजीटी पता नहीं कितने रिस्ट्रिक्शन आ गए, और थोड़ा सा धुआं दिल्ली में बढ़ जाता है तो मार हरियाणा पे पड़ती है, 57% हरियाणा पे प्रतिबंध लग जाता है। तो फिर मैंने बैठक ली, अधिकारियों से चर्चा करी कि वहां पर अब पावर प्लांट की जरूरत तो है नहीं, पावर विभाग और हमारा HSIDC मिलके उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने का काम करें। अब वहां इंडस्ट्री आएगी, चाहे वो IT इंडस्ट्री आए, चाहे डाटा सेंटर आए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आए, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, आपके इस इलाके को। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की रिहायशें बसासत बनेगी, तो किसका फायदा होगा? अपने इस इलाके का फायदा होगा। साथियों, कांग्रेसियों ने कभी फायदा नहीं सोचा, कांग्रेसी तो एक चीज सोचते थे, राज में आगे गुड़गांव पे कब्जा कर लो, कॉलोनिया काट दो। और ज्यादा सड़क का कोई विस्तारण होता था, सड़क का कोई उद्धार होता था तो एक जिले में सीमित होकर रोहतक तक रह जाता था। पिछले दिनों में जुलाना गया तो जुलाना वाली सड़क इस सरकार में बनी, खरखोदा गया खरखोदा वाली सड़क इस सरकार में बनी, भिवानी गया कलानौर बॉर्डर पे सड़क खत्म हो जाती थी, आज जाओ 4 लेन चरखी दादरी तक, 4 लेन भिवानी तक हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। ये विकास कैसे हो पाया? ये विकास इसलिए हो पाया कि आप लोग सरकार में, आपकी आवाज है, आपकी सुनवाई होती है। मेरे से तो मैं ये मानता हूं, ये जगी मेंबर कहेंगे कि गलती होगी, मेरे से हुई एक गलती, वो टिकट वितरण ठीक नहीं किया। अगर ये मैं किसी को, सुरेंद्र को, जगी मेंबर को, इनमें से जितने ये परिथला वाले साथी हैं, किसी और को उस समय टिकट दे देता तो शायद 10 की बजाय आज 11 विधायक हमारी पार्टी के विधानसभा में, मगर आगे ये गलती परिथला में भी नहीं होगी और ये गलती और किसी सीट पे भी नहीं होगी। साथियों, उस समय तो नई नई पार्टी बनी थी, जब कुणबा बनता है कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो चोरी का मन बना कर रखते हैं, और हमने तो बड़े अच्छी सोच के साथ वो जिम्मेवारी दी थी, मगर कई लोग वो जिम्मेवारी संभालने लायक नहीं थे। मगर आज मैं कह सकता हूं, यह आप सबकी मेहनत है कि आपने संगठन की ताकत को संगठित कर आगे बढ़ाने का काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे। ये 4 चीजों का मंत्र याद रख लो, एक तो सिर से ठंडा, दूसरा मुंह से मीठा, एक पांव की रफ्तार और एक पार्टी का प्रचार। अगर ये 4 चीज करते रहोगे, पार्टी का प्रचार हर घर तक हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहोगे, तो आपको आगे कोई रोकने वाला नहीं है। ये निशान सिंह जी अभी कह रहे थे कि आपने 11 महीने मेहनत कर 17% वोट लिए,
प्रधान जी ये मैं वादा कर देता हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और आपको, आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहो, इस फौज को मैदान में एक्टिव रहो। वो तो 11 महीने में 17% थे, अब 40% लाकर इस प्रदेश का सबसे बड़ा दल बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। मगर मुमकिन कैसे हो पाएगा? वो मुमकिन हो पाएगा जब एक एक साथी काम करेगा, एक एक साथी मैदान में उतरेगा। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, हमने अपने वादे पूरे करे। आपकी आबादी 50% है, आधे वोट आपके हैं, और आधे वोटों पे मैदान में उतरोगे, काम करोगे, तो एक विश्वास के साथ कह सकता हूं हम तो यूं जलसा कर लेंगे, गांव के चौक पे भाषण दे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर कर पर्चे दे जाएंगे। मगर चूल्हे पे जाके चर्चा कौन कर सकता है? चूल्हे पे जाके चर्चा कर सकती है तो मेरी माताएं बहने कर सकती है, भजन मंडली में बैठ के गीत बना सकती है, पार्टी के जागरण गा सकती है, तो वो सिर्फ मेरी माताएं बहने कर सकती है। और इसलिए आज आपसे आह्वान करूंगा, ये हरमीत कौर जी और ललिता जी बैठी है, दोनों महिला अध्यक्ष, इन दोनों को कहूंगा कि मैदान में उतरो और हर बूथ पर एक माता बहन को जोड़कर महिला सखी बनाने का काम करो। और महिला सखी ये नहीं बनानी, भी एक बना दी काम चल गया, पार्टी के हर कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य को जिम्मेवारी दो। कल मैं एससी सेल की मीटिंग ले रहा था, हमारे फरीदाबाद पलवल के एससी सेल के अध्यक्ष कहने लगे, कहते जी हम भी अपने घरों से महिला सखी एससी में बनाएंगे, हम बीसी में बनवाएंगे, हम युवा महिला को जोड़कर एक हमारी बहन को जिम्मेवारी देंगे, एक हमारी बुजुर्ग माता को उनका लीडर बनाएंगे। अरे पांच पांच महिला अगर एक बूथ पर सखी बन के जुट गई, फिर आप फिक्र मत करना 50% आबादी हो, अगर इस प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत जननायक जनता पार्टी को कोई बनाएगा तो आप जैसी हमारी माताएं बहन ये मातृशक्ति बनाने का काम करेगी साथियों। वही दूसरी ओर पर आज हम बात करते हैं युवा के रोजगार की। एक कांग्रेसी बारी बारी कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी, आज हरियाणा के आंकड़े दिखाए जाते हैं इतने परसेंट बेरोजगारी बढ़ी। मैं तो 3.5 साल का ब्यौरा दे सकता हूं, 3.5 साल में जो कंपनियां कांग्रेस के राज में प्रदेश छोड़ के भाग गई थी, लठ मारा करते थे ये लोग मारुति की फैक्ट्री में, हीरो होंडा की फैक्ट्री में लोग मरे थे, हरियाणा से उद्योग जाना शुरू हो गया था। मारुति कहां गई थी? गुजरात गई थी। उस मारुति को दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर खरखोदा की पावन धरा पर अगर कोई लाया तो आपकी सरकार लेके आई, आपकी पार्टी लेके आई। साथियों मारुति का 10 लाख गाड़ियों का फुल कैपेसिटी का एक साल की प्रोडक्शन का अनुमान है, एक साल में 10 लाख गाड़ियां बनाएगी। 10 लाख गाड़ी बनाने के लिए आदमी नहीं चाहिए होंगे, वहां रोजगार के 20,000 अफसर आएंगे, फिर भी कांग्रेसी कहते हैं आपने तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा दी। आज आपके पड़ोस में मेवात में ये बदरुद्दीन जी बैठे हैं, कोई कंपनी आया करती थी, हम चाइना से कंपनी लेके आए, एटीएल मोबाइल, जितने आपके हाथ में मोबाइल है इन सब की बैटरी बनाती है, आज 180 एकड़ का प्लांट लगा रहे हैं और अगले साल की जून जुलाई में मेवात के अंदर आपके मोबाइलों की फैक्ट्री के अंदर आपकी बैटरी बनने का काम होगा। साथियों वहां 13,000 रोजगार बनेंगे, वो 13,000 बच्चे कहां के लगेंगे? आपके लगेंगे। वही गुड़गांव के मानेसर के अंदर हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस फ्लिपकार्ट को दिया, 140 एकड़ में 7 मंजिल ऊंचा वेयर हाउस बन रहा है। उस वेयर हाउस में काम करने के लिए, उस वेयर हाउस से सामान पहुंचाने के लिए रोजगार के अवसर आएंगे तो हमारे बच्चों के आएंगे। और दूर की बात क्यों करूं, ये मोना के पड़ोस में पलवल से पहले देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री लगी, जेबीएम कंपनी की, और इस साल प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, भर्ती होने शुरू होगी, और उनसे हमने कागज पे साइन करवाया था कि भर्ती करोगे तो हम एक हरियाणा के बच्चे का 48,000 रुपया पर वर्ष का सरकार के खाते से देंगे। मगर लिखित में वादा करो, लिखित में वादा करो कि 75% हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लगाओगे, और उन्हें लिखित में दे रखा है और भर्ती चल रही है, हमारे अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के बच्चों को
जेबीएम छोड़ो, हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर 75% हिस्सेदारी दिलवाने का काम कोई करेगा तो आपकी पार्टी करेगी, आपकी सरकार करेगी। साथियों, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, सरपंच साहिबा ने कई मांगे रखी है यहां पर, ये एक गांव की है, मैं अगर इनकी एक एक की यहां भरूंगा तो सरदारी सारे अलग अलग गांव से आई भी है, पर यह वादा करता हूं जो मांगे गांव की सामूहिक तौर की है, जल्द से जल्द इनके एस्टीमेट बनाकर इसके लिए मोना गांव को हम ग्रांट भी अप्रूव कर देने का काम करेंगे कि गांव का इसका जो काम है वो बहुत जल्दी शुरू हो। और आपकी ये जो दो सड़कें जिस पे काम चल रहा है, आज मैंने आते आते अधिकारियों से भी इसकी रिपोर्ट ली, ये बारिश एक महीने की है, उन्हें वादा किया है दिसंबर से पहले पहले मोना से फरीदाबाद तक की सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त कर देने का वो काम करेंगे। वहाँ आपके यहाँ पर जो आसपास के गांव जहाँ पर कच्चे फट बने हैं और वो परचेज सेंटर की मांग कर रहे हैं, जो कोरोना में परचेज सेंटर बने थे हमारी सरकार ने किसी एक परचेज सेंटर को कैंसिल करने का काम नहीं किया, हमने तो बल्कि और बढ़ाए। पहले किसान आड़ती के पास आता था, अपनी फसल दे के जाता था, आज दो साल हो गए आड़ती किसान के पास जाता है, जाता है नहीं जाता, खेत में जाता है गेहूँ मेरे बेच जा, जीरी मेरे बेच दा, उसका लाभ किसको मिलता है? आपके किसान भाइयों को। साथियों, जब फसल के पैसे आते हैं पहले आप आड़ती के पास जाते थे पैसे दे जा, आज क्या होता है आड़ती आपके पास आता है कि भाई पैसे आगे ब्याज मेरे से ले लियो पैसे दे जा, इसका लाभ किसको हुआ? गांव के कमेरे किसान को हुआ। और हमारा तो एक माध्यम बनाया है कि शहर से पहले गांव का विकास हो, और मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि ये बात मत कहा करो शहर से पहले गांव का विकास हो। आज मुझे ये बताओ, मोना का कोई बच्चा कंपिटेटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है, छैसा का कोई बच्चा कंपिटेटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है तो उसको सबसे पास फरीदाबाद ओल्ड में जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है क्योंकि कोचिंग सारी वहां पर होती है। आज मांग क्या आती है गांव से, आपकी सरपंच साहिबा ने लिखी हुई है लेटर पैड पर, मुझे खुशी होती है पढ़ते हुए, मुझे गर्व होता है कि हमारी चलाई मुहिम ने कितना बदलाव लाने का काम कर दिया कि हमारे गांव में ई लाइब्रेरी बना दो। किसी ने सोचा था ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, हमने किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का जिनने हमारे उठाए कदम को आज पूरे देश में लागू किया, और ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर आधुनिक किताबें और सुविधाएं बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव तर तक दिलाने का काम करेगी। साथियों, बनगी चलो जवा गांव के हमारे साथी बैठे बता रहे, इनके गांव में मैंने घोषणा करी थी बनी है, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और गांव के बच्चों को बधाई दूंगा। ये मेयर से ज्यादा मैं तो पढ़ लिया, मैं तो मास्टर्स भी कर ली, PhD कर रहा हूं, मगर जो गांव की नई पीढ़ी आप देखना इसका लाभ उसको मिले। दूसरी मांग सरपंच मैडम ने क्या करी कि हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाओ। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले गांव में मांग क्या आती थी, गली नाली और ज्यादा से ज्यादा होती थी चौपाल की मरम्मत, इससे ऊपर तो कोई मांग सरपंच नहीं करता था। महाराज क्या मांग आती है, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर क्या है? ये बारात घर है बड़ा, आज सबके परिवार में शादी में बारात भी बड़ी आने लगी, छोटी चौपालों में तो फेरे होते नहीं, मगर गांव के अंदर आज लोग कहते हैं टेंट लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो वो शहर की तरफ चलते हैं कि मैरिज प्लेस में शादी करके आएंगे। और मैरिज प्लेस पास में कहाँ कहाँ है, अगर किलोमीटर देखोगे तो 7-8 किलोमीटर से पहले कोई बड़ा मैरिज प्लेस नहीं मिलता, मगर गांव में कम्युनिटी सेंटर बन जाता है तो गांव के आदमी को 500-1000 रुपए के पंचायत के किराए में अपने बच्चों की अच्छी तरीके से शादी करने की व्यवस्था बन जाती है। साथियों, ये बदलाव है, और ये बदलाव एक जगह नहीं है, ये अनेक जगह है। कई लोग कोसते हैं, कहते हैं तो सरकार पोर्टल बनाती रहती है, पोर्टल के लाभ नहीं गिनाते। मुझे एक चीज बताओ, आज आपका पैसा उस पोर्टल के बदौलत ही 2 दिन में खाते में आता है नहीं आता? खेत में खराबा हो जाता है, उस पोर्टल के माध्यम से ही सरकार को बताते हो नहीं बताते? अब राशन डिपो की एप्लीकेशन भरी थी, किसी बाबू के दफ्तर में जाना पड़ा?
घर बैठे सीएचसी सेंटर पे गए और 20 रुपए फीस भरवाई और फॉर्म भर दिया। आज पीला राशन कार्ड बनाना है, पहले तो सरपंच की मोर, फिर विधायक के चक्कर, फिर डीसी दफ्तर के चक्कर, फिर जाके कोई एक राशन कार्ड सिफारिशों के बाद बनता था। आज तो हमने मुमकिन किया है कि किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीएचसी सेंटर वाला 1 मिनट में रसीद निकाल के दे देता है। हमारे बुजुर्ग है 60 साल के हो जाते थे, काफी हाथ में रखते थे प्रमाणों की और कहते थे मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे, मेरी बुढ़ापा पेंशन बनवा दे। आज तो जैसे 60 साल का होगा, खाता नंबर अगर लिंक्ड है परिवार पहचान पत्र से, तो आपके खाते के अंदर पैसा सरकार डलवाना शुरू कर देती है। साथियों, इसका लाभ किसको हुआ? आम जन को हुआ। और मैं ये मानता हूं कि हजारों ऐसी सुविधाएं हैं जिसको हम करेंगे। आज 600 सुविधाएं हमने कर दी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और तो और अगर किसी किसान को अपनी फर्द चाहिए होती थी तो पहले फर्द का रजिस्टर ढूंढता हुआ तंग हो जाता था पटवार खाने में, फिर रजिस्टर की नकल करवाता था, नकल करवाने के बाद पटवारी जी के पीछे पीछे घूमो, पटवारी जी 2-3 दिन में मिला करते थे क्योंकि पटवार सर्कल बड़ा हो जाता है, और फिर एक साइन और एक मोर के लिए उसको घूमना पड़ता था। आज तो हरियाणा सरकार की वेबसाइट है जमाबंदी.nic.in, एक क्लिक के ऊपर आपकी जमाबंदी निकल जाती है। बैंक में जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ, कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये असली है या नकली। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि साथियों, सरकार में आप लोग बैठे, और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि हमने पिछले 3.5-4 सालों में निरंतर अनेक कदम उठाए हैं, और प्रत्येक कदम इसी सोच के साथ उठाया है कि हम हरियाणा प्रदेश के कमेरे को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये विश्वास और वादा आज भी करके जाता हूँ। चौधरी हर्ष कुमार जी ने मेरी कई बात को आज दोबारा उठाया, मैं पीछे तो शाम में था, एक आदमी आया, कहता जी हमारा गांव HRDF में पैसा देता है, मगर वो पैसा गांव को वापिस नहीं आता, उस पैसे को सरकार जहां मर्जी चाहे भेजने का काम करती है। और मैंने उस दिन कहा था मैं इसका ब्यौरा लूंगा कि गांव की एकड़ेज के हिसाब से, गांव के खेतों के बंटवारे के हिसाब से कितने मरब्बे का कितना रुपया गांव का सरकार को जमा होता है, और जल्द इस पे हम बदलाव लाकर 50% रुपया HRDF का उसी गांव की पंचायत के खाते में भेजेंगे, जिससे ग्राम विकास होगा। उसके बाद गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाना है, ई लाइब्रेरी बनानी है, तो फिर ये पेपर लेने की घूमने की जरूरत नहीं, आप अपने गांव के फंड से। और एक चीज आज शांति कर दूं चौहान साहब आपको भी, कि सरकार बनने से पहले 1 रुपया किसी पंचायत को नहीं जाता था सरकार की तरफ से, जिस सरपंच की सिफारिश होती थी वो सरपंच जाता था किसी संतरी के मंत्री के साइन करवा कर और ग्रांट चंडीगढ़ से ले आता था। और विपक्ष के सरपंच की ये हालत होती थी कि वो 5 साल कहता रहता था कि मैं विपक्ष का सरपंच हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो विपक्ष का सरपंच हूँ। मगर हमने किया मुमकिन, हमारी सरकार आने के बाद SFC में बदलाव लाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन में, और 1,250 रुपया पिछले 2 सालों से हर पंचायत के ऊपर प्रति व्यक्ति, अगर किसी पंचायत में 10,000 लोग थे तो 1,20,00,000 रुपये, अगर किसी पंचायत में 1,000 व्यक्ति थे तो उसको 12,00,000 रुपया सरकार उसके खाते में विकास कार्यों के लिए भिजवाने का काम करती थी। और इस 15 अगस्त को यह निर्णय बदल लिया, और यह बदलकर अब 1,250 की बजाय 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति पंचायत के खाते में हमारी सरकार देने का काम करेगी। साथियों, इससे गांव विकास बढ़ेगा। मैं तो एक चीज के साथ आप सबका आभार भी प्रकट करूंगा। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज आपके बीच में, कि हमने मेहनत ना तो पीछे रुकने दी है ना आगे रुकने देंगे। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो हवा बनेगी, और हवा बनेगी तो राज आएगा। और हवा बनाने के लिए साथियों, कोई अकेले मंच पर बैठे लोग काम नहीं कर सकते, यहां बैठे हर एक व्यक्ति को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनना पड़ेगा,
हर युवा को दुष्यंत चौटाला बनना पड़ेगा, मैदान में घुसना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तब जाके 40% का जो आज वादा डॉक्टर जयसिंह चौटाला को किया है उस वादे को हम पूरा कर पाएंगे। और एक चीज लिख लो साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। और इतिहास बदलकर 1987 की तरह अपनी ताकत को दर्शाना है तो आज से संकल्प लो, हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र मेहनत कर जननायक जनता पार्टी को इतना मजबूत कर देगा कि 40% में इन सीटों में हमारी ताकत हम अलग से दर्शाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।